कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने भाजपा नेताओं पर खासा कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने सत्तासीन पार्टी भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आने पर भाजपा के लोगों पर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होंगे। करण बाहरा ने भाजपा से जुड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेवजह कांग्रेस के नेताओं पर भाजपा के नेता मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इस बात का संज्ञान लेगी और ऐसे नेताओं के चिन्हीकरण के बाद इन पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होगा। गौरतलब है कि ये बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए दर्ज मुकदमे के जवाब में कही है। आपको मालूम हो कि राहुल गांधी ने अम्बाला में RSS को कौरवों की सेना कहकर संबोधित किया था, जिसके चलते उत्तराखंड के हरिद्वार में भी राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मीडिया से आगे बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने ये भी बताया कि प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी भाजपा के 29 सांसदों के खिलाफ हेट स्पीच मामलों को लेकर FIR की मुहिम भी चलाने जा रही है। छिपाया जा सकता है कि जो 60 रुपए पेंशन की बात थी, क्या इस बात को छिपाया जा सकता है कि भारत छोड़ो अभियान का विरोध हुआ था, क्या इस बात से पीछे हटा जा सकता है कि सोनिया जी को जर्सी गाय कहा गया, क्या इस बात से छिपा जा सकता है कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को स्वर्णरेखा कहा गया, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है जिस तरीके की भाषा इनके प्रवक्ता लगातार करते रहे हैं और चुनाव में नीरव मोदी और नीरज मोदी का विरोध करना इतना क्यों खल रहा है मोदी साहब को ये और भारतीय जनता पार्टी को ये, उनको जवाब देना होगा। हम हर अदालत के आगे जाने के लिए तैयार हैं, हमको भारत के कानून पे भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से लोहिया जी के साथ हुआ और चौथे स्तंभ में गौरी लंकेश के साथ हुआ, प्रसून वाजपेयी के साथ हुआ, अभिसार शर्मा के साथ हुआ, अन्य पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हुआ, क्या इन चीजों से आंखें मूंदी जा सकती हैं? और हम रवीश कुमार को जब नहीं खरीद सके तो पूरा चैनल खरीद लिया, क्या इन बातों से आंखें फेरी जा सकती हैं? और राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, ना कांग्रेस डरने वाली है। अंग्रेज इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, तब कांग्रेस बिन साधनों के उनसे लड़ रही थी। आज तो ये मेरा देश है और हमारे देश के लोग इस देश में रहते हैं, शासन के अलावा सरकारों के अलावा प्रशासन में भारत के नागरिक हैं, तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। कितना भी जुल्म ये लोग करने की सोच लें, लेकिन सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होने के बाद व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त किया जाएगा और इस तरीके के कृत्य करने वालों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे निश्चित तौर पर लगाए जाएंगे। उसके लिए हमको चाहे अपने संगठन में लड़ाई लड़ने पड़े। कांग्रेस के लोग भी अब इस बात से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आती है ऐसे लोग बचे हुए रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और RSS सिखा रही है, और मैं खुश हूं इस बात से कि अब कांग्रेस के लोग उस बात को समझ और सीख रहे हैं। हम चौथे स्तंभ को भी मजबूत करेंगे, हम राष्ट्र के नागरिक को मजबूत करेंगे, उनके अधिकारों को मजबूत करेंगे, संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे और इनके मंसूबों को फेल करने का काम करेंगे।